सोचते हैं कि मन लगे तब भक्ति हो, मन ही नहीं लगता। मैं कहता हूं कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, माँ बेटे का संबंध है और माँ बेटे में न पटरी बैठती हो, अनबोल न रहे बोलना न रहे तो नाता तो नहीं टूटेगा। बाप बेटे में किसी तरह का विरोध हो जाए तो नाता तो नहीं टूटेगा, भले ही न संगति मिले विसंगति हो। इसी तरह मैं कहता हूं कि भगवान का जो हो गया फिर भले ही मन न लगे पर वो नाता नहीं टूटेगा। और भगवान उस नहीं टूटने वाले नाते को ही मानते हैं। इसी तरह हम लोगों का परिवार है, हम एक बार भगवान के हो गए, स्कूल में कोई भर्ती हो गया फिर मन लगे न लगे पर कक्षा में ही माना जाएगा, हाजिरी भरी जाएगी। तो बिना मन लगे जब स्कूल में हाजिरी भरती है, बिना मन लगे रेलगाड़ी हमें गंतव्य तक पहुंचा देती है, तो क्या बिना मन लगे भगवान की भक्ति हमारा कल्याण नहीं करेगी? इसलिए हमें राम राम करना चाहिए, राम जी की शरण में रहना चाहिए और राम जी के होकर रहना चाहिए। हम श्री तुलसीदास जी के माध्यम से राम जी के परिवारी हैं और राम जी का नाम राज राजेश्वर है, इसलिए उनका परिवार है, बड़ा अच्छा है। तो भगवान के होकर रहना सर्वोत्कृष्ट साधन है दुनिया को, है ना। मंदिर में जाके जिन्हें तुमने देखा उन्हें मन के अंदर बिठाकर तो देखो, और दुनिया को अपना बनाकर तो देखा, सांवरिया को अपना बनाकर तो देखो। इसी तरह भगवान के होकर रहो, आनंद ही आनंद है, सबका कल्याण हो। जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितो ही पर सदा रहे अनुकूल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।